देखो, काफ़ी लंबी लड़ाई चली है और उसका कारण भी ये था कि भाई ज़मीन की उपलब्धता ना होना। और अब ज़मीन उपलब्ध हो चुकी है और ज़मीन का हमने पहले भी आप आए थे तब मैंने बताया था कि हमारी जो सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी गई है कि आप अपना एम्स की ज़मीन का पोजेशन लें और आगे की कार्रवाई करें। तो आज एम्स के कुछ अधिकारी लोग आ रहे हैं और वो आज इसकी पोजेशन लेंगे और उसके बाद जब भी प्रधानमंत्री जी को समय मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से या राव साहब प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे और उसके बाद जो भी उनको सुटेबल टाइम होगा उसके हिसाब से शिलान्यास किया जाएगा। भी रहे हैं, एम्स मिलना आपकी एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है, तो किस तरह से लाभ मिलेगा इसको? देखो, हमने जब इस एम्स का डिमांड की तो हमने सारा ज्योग्राफिकल स्टडी किया कि भाई रोहतक के अंदर मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई है, उधर अंबाला मौलाना में मेडिकल कॉलेज है, आपके हिसार में अग्रोवा मेडिकल कॉलेज है और बाढ़सा में भी, झज्जर में भी एक ब्रांच उसकी कैंसर यूनिट की थी। तो हमारा जो क्षेत्र था दक्षिणी हरियाणा, खासकर रेवाड़ी, नारनौल और ये इसके अंदर मतलब हमारा जो चिकित्सा का अभाव था, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था और उसको ध्यान में रखते हमने सारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने खाका बनाकर रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को हम समझा और उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि हाँ, इस इलाके में एम्स की ज़रूरत है। और उन्होंने यहाँ 2015 में बावल के अंदर जब रैली हुई उसमें घोषणा की और उसके बाद लगातार प्रयास हम कर रहे हैं और हम प्रयास में सफल भी हुए हैं। और एक एम्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एम्स के आने से जो चिकित्सा का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा यहाँ घर बैठे लोगों को, दूसरा लोगों को रोज़गार बहुत मिलेगा और दूसरी रोज़गार के साथ साथ बच्चे जो हमारे दूर दूर पढ़ने जाते थे उन बच्चों को यहीं शिक्षा मिलेगी, वो बच्चे यहीं रोज़गार लेंगे। तो बहुत सारे डेवलपमेंट के रास्ते इस एम्स के आने के बाद इस क्षेत्र के खुल जाएंगे और ये क्षेत्र निश्चित तौर पर जो पहले पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था ये बिल्कुल अग्रणी क्षेत्र होने जा रहा है। यही तो मैं कहता हूँ बार बार कि कांग्रेस को ये अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब उन्होंने एक पीपीपी मोड पर ही बना रहे थे, वो तो जी स्वराज माजरा के अंदर लोगों ने ज़मीन भी दे रखी थी, वहाँ तो ज़मीन भी ऑलरेडी दी हुई थी और एक के पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा सके और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये नहीं बनाएंगे, ये तो राजनीति कर रहे हैं। तो ये उनको खुद ही सोचना